करते हैं, बारिश अच्छे से हो रही है और बैंगन भी कितने बढ़िया हो गए। मैं 3-4 दिन पहले बहुत सारे बैंगन हार्वेस्ट किए, लेकिन अभी भी देखिए कितने मस्त बैंगन हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर और बराबर बढ़ रहे हैं। तो आज चलिए आज ऑर्गेनिक सब्जियों की हार्वेस्टिंग करती हूँ। और हम जितना जल्दी जल्दी करेंगे उतना अपने प्लांट के ऊपर का जो भार रहता है वो कम हो जाएगा। आजकल मार्केट में सब्जियाँ बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही हैं, अपने घर की ये ऑर्गेनिक। बहुत बढ़िया ये प्लांट्स हो रहा है और सब यहाँ पे भी बैंगन बहुत लगे हैं, ये बहुत छोटे हैं। हाँ, एक यहाँ पे लगा है, ये देख सकते हैं, एक दिन के लिए काफ़ी हो जाता है। और भी बहुत बढ़िया ये प्लांट्स हो रहे हैं। और यहाँ देखिए ये सरसों का साग है अभी, लेकिन एक ही है। कड़ी पत्ता है, ये देख सकते हैं, लेकिन क्या है ना बर्ड्स मिर्ची को खा लेते हैं। और यहाँ एक ककड़ी लगी है, पता नहीं 4 ककड़ी हो गई, एक हार्वेस्ट कर लेते हैं। ओ यहाँ पे भी एक बैंगन लगा है, ये देखिए बहुत बढ़िया, ये देख सकते हैं। और एक ककड़ी यहाँ पे है, मूली का हार्वेस्टिंग करूंगी क्योंकि मूली ना बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आप देख सकते हैं कितने। और ये साग है, मूली का साग की फिर सब्जी हम कर सकते हैं, ये देखिए। और ये दूसरा मूला भी कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैंने इसको रेता और ऊपर ऊपर गोबर की खाद डाली थी, तो उसमें भी ये प्लांट बहुत बढ़िया हो रहे हैं। यह खरपतवार को निकाल देने से अच्छा है, देख सकते हैं। और ये मूले भी थोड़े छोटे हैं, छोटे नहीं हैं, हो गए बड़े, लेकिन एक साथ इतने सारे मूले मैं तोड़ूंगी ना, खाने वाला कोई इतना रहता नहीं है, तो ये बाद में मैं करूंगी। लेकिन थोड़ा साग तोड़ लेती, कम से कम हम साग की सब्जी कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया साग लगता है, कम से कम एक सब्जी हो जाएगी साग की, क्योंकि मूला में तो पोषक तत्व रहते हैं, लेकिन ये जो मूली के पत्ते हैं ना, इसके भी साग बहुत बढ़िया बनती है, ये देख सकते हैं, आराम से एक सब्जी हो जाती है। इसमें थोड़ा आलू भी डाल दे तो और बढ़िया लगेगी, तो मैं थोड़ा पत्ता निकाल देती हूँ। प्याज भी है, प्याज को भी हार्वेस्ट कर लेते हैं, देख सकते हैं बहुत बढ़िया प्याज। हेलो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये अभी लगातार बारिश हो रही थी, ये यहाँ से गिर गया है, बहुत बढ़िया ये खरबूज का बेल हो रहा है और बहुत ही अच्छा है, पूरा परिपक्व हो गया और बहुत ही टेस्टी है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छे से आ रही है, इसका मतलब ये पूरी तरह से पक गया है अभी। ये बहुत छोटा है, ये है केना, जो साग है जो मैंने आज ही इसका वीडियो शॉर्ट में डाला है, ये केना की सब्जी है, आप देख सकते हैं केना सब्जी बहुत ज़्यादा लगी है। ये आयुर्वेदिक है, लेकिन हम खाते नहीं, इसलिए इतना हमें आइडिया नहीं रहता है, लेकिन ये आयुर्वेदिक सब रहता है। तो ये गेंदे का प्लांट्स बहुत बढ़िया हो रहा है और इसको हमेशा इसे पिंच करते रहना है। आप जितना ज़्यादा पिंच करेंगे ना, आप देख सकते हैं मैंने बहुत थोड़ी सी मिट्टी डाली है, लेकिन ये प्लांट्स इतना अच्छा बन रहा है। सब्जियों के प्लांट्स में ना ऐसे गेंदे के प्लांट्स होना ही चाहिए और ये बहुत बड़ा हो जाता है।
अरे पत्ते का भी यूज़ होता है, जैसे डाई करना है बालों में तो उसका भी नुस्खे लिखे हैं गूगल में सर्च करने से। ये पत्ते भी नहीं फेंक सकते, लेकिन मैं अभी कंपोस्ट में डाल देती हूँ। तो अभी और सब्जियां हैं, देखते हैं आज क्या क्या मिल रहा है मेरे गार्डन से। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे सरसों का साग है और ये यहाँ पे अभी बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, एक ख़राब हो रही है, लेकिन मैं प्याज निकाल देती हूँ क्योंकि मुझे नए प्याज भी लगाना है। आप देख सकते हैं प्याज के बल्ब कितने अच्छे से हो रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ पे एक ककड़ी लगी है, लेकिन इसको मैं बीज के लिए रखी है, ये देख सकते हैं। और ये नया बैंगन का प्लांट बना है, एक्चुअली ये अगर सफ़ेद बैंगन जैसे लग रहा है, सफ़ेद नहीं, थोड़ा काला है, आप देख सकते हैं। ये पहली बार ये बैंगन लगा है, ये थोड़ा वाइट और लाइट ग्रीन है, लेकिन अभी एक ही लगा है। तो आज काफ़ी मिर्चियाँ रह गई हैं। थी मैं डेली आती हूँ, 3-4 तो तोड़ी लेती हूँ, तो आज मैं ये रेड वाली लूँगी क्योंकि रेड का मुझे चटनी बनाना है, ये बहुत अच्छी लगती है इसको। ये जो काली पड़ती है ना, उसके बाद ये रेड भी हो जाती है, लेकिन बहुत तीखी है, इसीलिए इतनी काफ़ी है आज के लिए, क्योंकि इतनी रोज से अपने डेली हम तो गार्डन में आते हैं तो फ्रेश फ्रेश सब्जी तोड़ो। और यहाँ पालक है, देख सकते हैं बहुत बढ़िया पालक हो रही है, इसको थोड़ा सा निकाल देते हैं क्योंकि अभी क्या है ना, बारिश का मौसम है, कीड़े बहुत बन जाते हैं। एक्चुअली मैंने इसकी हार्वेस्टिंग कुछ समय पहले की थी, फिर से ये पालक बन रही है। ये कम से कम सैलेड हम खा सकते हैं, सैलेड के लिए यूज़ कर सकते हैं थोड़ी सी पालक। मैं काफ़ी पालक डाली थी, लेकिन ये बारिश की वजह से ना बहुत ही ये हो गया है, एक तो सड़ जाती है ना, तो फंगस आ जाता है। है मिर्ची है, इसे देख सकते हैं इतनी सारी मेरे यहाँ ऑर्गेनिक सब्जियाँ निकली है। ऑर्गेनिक खाइए और अपना हेल्थ अच्छा बनाइए। तो वीडियो पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।